Hi friends, welcome back to our YouTube channel Jia and Shan. It's me Jia. आज के वीडियो में मैं आपको चार DIY बैक टू स्कूल सप्लाई कैसे बनाती हूँ दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट DIY सप्लाई है ये एक पेन स्टैंड होल्डर है। तो चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। ये DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये कप नूडल्स का कप। अब मैं उसके कवर को कट करूँगी। तो ये है हमारा येलो कलर का कप, उसके ऊपर मैं ये ऑरेंज कलर की पेपर की शीट चिपकाने वाली हूँ। हम ये ऑरेंज शीट को इसमें राउंड करके टेप से चिपकाएंगे और उसके एक्सेस नीचे के पार्ट सीजर से कट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा स्टैंड रेडी हो चुका है। ये बहुत ही प्लेन दिख रहा है, इसके लिए मैं उसके ऊपर एक कार्टून कैरेक्टर ड्राइंग करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर हेलो किटी बनाया है। तो मैंने हेलो किटी ड्राइंग कर लिया है, अब हम इसे सीजर से कट करेंगे। अब इसे ब्लैक स्टैडलर से आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन हो गया है, अब हम इसे स्केच पेन से कलर करेंगे। हमारा हेलो किटी रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्टैंड के ऊपर स्टिक कर देंगे। होप आपको मेरे ये पेन पेंसिल स्टैंड होल्डर अच्छी लगी हो। तो ये है सेकेंड DIY। ये है रबर एंड शार्पनर बॉक्स। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स ये DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक रबर। मैंने इसका कवर सब निकाला है। अब मैं इसकी चारों साइज कार्डबोर्ड पर मार्क करूँगी। मैंने चारों साइज बना लिया है, अब मैं इसे सीजर से कट करूँगी। अब मैंने कार्डबोर्ड पर पिंक कलर का शीट लगाया है। अब हम इस पिंक शीट कार्डबोर्ड को रबर पर चिपकाएंगे। मैंने इसे चारों तरफ चिपका लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मैचेस का बॉक्स लिया है, इसका भी चारों साइज मैं कार्डबोर्ड पर मार्क करूँगी। मैंने यहाँ पर सारे मार्क कर लिए हैं और हम इसे कट करेंगे और अब हम पिंक पेपर चिपकाएंगे। अब हम ये रबर और मैच बॉक्स के ऊपर गम लगा के पिंक कार्डबोर्ड को उसके ऊपर चिपकाएंगे और बाकी सब साइड में भी ऐसे ही करेंगे। तो अब मैंने चारों साइड कवर कर लिए हैं। ये मैच बॉक्स का अंदर का पार्ट है, इसमें मैं ये शार्पनर फिट करूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पे पिंक पेपर चिपकाया है और अब मैं एक पेंसिल से उसमें होल बनाऊँगी। मैंने ये शार्पनर को इसमें फिट कर लिया है, अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लू पेपर लिया है और अब मैं इसके ऊपर एक फ्लावर का स्टैम्प निकालूंगी। मैंने चार स्टैम्प निकाले हैं, अब मैं इसे आगे की तरफ चिपकाऊंगी। तो आप सोचते रहेंगे हम इसे कैसे खींचे। तो मैंने यहाँ पर एक गम लगा के एक बीड लगाया है जिसे हम खींच सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेडी बेयर ड्राइंग किया है, अब हम इसे ये कॉर्नर में चिपका देंगे। और ये एक छोटा सा हार्ट है जिसे हम ऊपर की तरफ चिपकाएंगे। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने एक पेंसिल शार्पन कर ली है, अब हम इसे शार्पन निकाल के उड़ा देंगे। मेरा हार्ट बराबर नहीं हुआ,
तो अब मैं इसे इस्तेमाल करके इसे रब करूंगी। तो ये है थर्ड आइटम, ये है डोरेमोन क्लिप। चलिए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। ये DIY बनाने के लिए मैंने लिया है ये वुडन क्लिप, उसको हम रेड पेंट करेंगे। तब तक हम एक शीट पर डोरेमोन बनाएंगे। तो ये हमारा डोरेमोन रेडी है, अब हम इसे ब्लैक स्टैडलर से आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन होने के बाद हम इसे कलर करेंगे। हमारा डोरेमोन अब रेडी है, अब हम इसे कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है और उसके आईज के प्लेस में हम दो गूगली आईज चिपकाएंगे। तो ये हमारा डोरेमोन फुल्ली रेडी है, अब हम इसको क्लिप के ऊपर चिपकाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा डोरेमोन क्लिप अब रेडी हो गया है। हम इसे बुक पे या किसी और पेपर पे क्लिप कर सकते हैं। Isn't this looking very pretty? ये है लास्ट DIY, ये है पेन या पेंसिल टॉप। पहले देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो फ्रेंड्स ये DIY बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ये पिंक ग्लिटर शीट। अब हम स्केच पेन से इसके ऊपर एक हार्ट ड्राइंग करेंगे, फिर उसे कट करेंगे। उसको हम फोल्ड करके बीच में दो होल लगाएंगे जिससे हम पेंसिल या पेन को फिट कर सकते हैं। फिर हम पीछे साइड में ग्लू लगाकर और एक हाथ चिपकाएंगे। तो ये हमारा पेंसिल टॉप रेडी है। तो फ्रेंड्स ये थे 4 DIY सप्लाईज जो मैंने बनाए थे। इन सब में से मेरा फेवरेट ये वाला था। आपका फेवरेट कौन सा रहा था कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके ग्रे कर देना और साइड के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में रख देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।